प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गुरुजी को वरिष्ठता दिए जाने की घोषणा का स्मरण कराने के लिए गुरुजी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सभी जिलों में धरना प्रदर्शन रैली करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। इसी कड़ी में रीवा जिले में भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। जिला संयोजक कमलेश्वर शुक्ला द्वारा बताया गया कि गुरुजी संवर्ग के शिक्षकों को 2 सूत्री मांगे हैं जिनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। उन्हीं मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया। इनकी मांगों ने नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता जिसकी वर्षों से लंबित है पूरा करना और गुरुजी शिक्षा कर्मी संविदा शिक्षकों के वेतन निर्धारण तथा अध्यापक संवर्ग के संविलियन की प्रक्रिया निर्धारित करने की है, जिनकी पूर्ति न होने के चलते आज यह कार्यक्रम किया गया है। आइए सुनाते हैं संगठन के पदाधिकारियों ने क्या कहा है। हम लोग आज धरने में बैठे, हमारा संयुक्त मोर्चा का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था, उसी तारतम्य में आज हम गुरुजी को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता लेके प्रदेश के हर जिलों में हमारी वरिष्ठता की का आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है और कलेक्टर महोदय के नाम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देना है। चूँकि हम लोग 25 वर्षों से गुरुजी पद पर सेवा करते आ रहे हैं, कभी सेवा में ब्रेकअप नहीं हुआ, फिर भी आज तक हम लोगों को न क्रमोन्नत न पदोन्नत का लाभ दिया गया। हम लोग इसकी लड़ाई अनवरत लड़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, बीच में कई बार हम लोगों ने जब आंदोलन किया तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने निज निवास में हम लोगों का सम्मेलन बुला के 21 जनवरी 2018 को अपने निवास में बुला के और ये आश्वस्त किए कि आप लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन बंद करिए, हम सब लोगों को नियुक्ति दिनांक से तुम लोगों को वरिष्ठता दे देंगे और तुम्हारी भी समय में क्रमोन्नति और पदोन्नति हो जाएगी। लेकिन वो मांग आज तक पूरी नहीं हुई, उसके लिए हम लोग आवाज भी संघर्ष कर रहे हैं। 25 वर्ष की सेवा का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, हम लोग सबसे कम मान वेतन मान में चल रहे हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता। और उसी लड़ाई के लिए आज हम पूरे प्रदेश में एक साथ हर जिले में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप गए हैं। अगर 30 सितंबर तक हमारी मांगों पर अमल नहीं हुआ या कि कोई शासन प्रशासन द्वारा आदेश निर्देश नहीं दिया गया तो इसके लिए हम भोपाल में 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन या भूख हड़ताल में बैठने को मजबूर होंगे और इसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। हम लोग 6 सूत्री मांगों के लेकर प्रांतीय आह्वान पर, जो हमारी पुरानी पेंशन, गुरु जी की वरिष्ठता, अनुकंपा और क्रमोन्नत और अन्य मांगी, उनको लेकर हम लोगों ने बैठे हैं। 13 तारीख से अनवरत हम लोग अनिश्चितकालीन प्रदेश स्तर से चालू है। हम लोगों के साथ सरकार भोपाल में दमनकारी नीति अपनाई, लाठीचार्ज कराया, उसी तारतम्य में अब कल से हम लोगों को सस्पेंड करना चालू किया। तो जो सस्पेंशन के आदेश हैं उनकी आज मैं निंदा करता हूं और आज उनके उन आदेशों की होली जलाएंगे। आज गुरु जी संयुक्त मोर्चा का जो यह कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम सभी गुरु जी जितने भी जिला रीवा के इकट्ठा हुए हैं, इस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 18 जनवरी 2021 को घोषणा किया था कि गुरुजियों को वरिष्ठता दी जाएगी, जिसका आदेश आज दिनांक तक 4 वर्ष बीत गए हैं प्रतीक्षा करते करते, उसका आदेश अभी तक नहीं हो पाया। इस स्मरण ज्ञापन रैली के माध्यम से हम लोग उनको यह इस बात का याद दिलाना चाहते हैं कि जो घोषणा आपने किया था पूर्व में उसको पूरा करें, ताकि हम लोग आपके साथ में सहयोग आने वाले समय में कर सकें।